हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस। और चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारी ऑन गोइंग सीरीज, जिसमें कि हम 65वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बिहार नमन का टेस्ट सीरीज 2 देख रहे थे। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 51 से लेके 100 तक, यानी 51 से लेके 100 तक हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और इससे पहले क्या है कि मैं इंग्लिश की पीडीएफ यूज कर रहा था, लेकिन आप लोगों में से बहुत लोग के मैसेज आए हैं कि मैं हिंदी वाली पीडीएफ यूज करूं, तो आज मैं हिंदी पीडीएफ यूज कर रहा हूं आपके कहने पर। और मैं देखता हूं, अगर आप लोग संतुष्ट होंगे तो ये अच्छी बात होगी। ओके, तो अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 51, ये पूछा जा रहा है कि धोबिया नाच बिहार के किस जिले से संबंधित है। एक तरह का डांस फॉर्म है धोबिया नाच, और ये रिलेटेड है बिहार के भोजपुर जिला से, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, इस तरह के जो भी डांस फॉर्म्स हैं बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अगर एसोसिएटेड हैं, तो इस तरह का सब कुछ आप देख लीजिए। ये बस एक कहें कि एक आइडिया आपको लेना है कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, और इसका ये अच्छा सा कंपाइलेशन है। नेक्स्ट है कि ये झरनी नाच किस समुदाय में प्रसिद्ध है। क्या ये हिंदू समुदाय से एसोसिएटेड है, या फिर मुस्लिम समुदाय से, या फिर थारू जनजाति से, या बोथ ए एंड सी, यानी कि हिंदू और थारू दोनों लोगों से एसोसिएटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड है झरनी नाच। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, यानी 53 नंबर, किसके प्रयास से 20वीं शताब्दी में विदेशिया नाच का उद्भव हुआ। एक बिहार का काफी पॉपुलर डांस फॉर्म है विदेशिया नाच, और ये एसोसिएटेड है भिखारी ठाकुर जी से। ठीक है, भिखारी ठाकुर जी, जिन्हें की भोजपुरी का शेक्सपियर भी बोला जाता है। अब आप कमेंट सेक्शन में इनका जन्म स्थान मेंशन कर सकते हैं, ये अच्छी एक बात होगी, एक आपको इन्फो मिल जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में गुफा कहाँ मिलते हैं, मौर्य काल के गुफा कहाँ मिलते हैं, खड़गपुर पहाड़ी में, या फिर लौरिया नंदगढ़ में, या फिर पटना के कुम्हरार में, या फिर गया के बराबर की पहाड़ियों में। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं ऑप्शन डी, बराबर की पहाड़ी, गया जिला। क्वेश्चन नंबर 55, गुप्त वंश के राजा आदित्य सेन के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, तो आप, हो सकता है आप ये क्वेश्चन का आंसर ना जानते हो, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि ये मंदार की पहाड़ी से एसोसिएटेड है, यानी कि गुप्त राजा आदित्य सेन के शिलालेख कहाँ से मिलते हैं, तो मंदार की पहाड़ी से, याद रख लीजिए एकदम। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं, और यहाँ पूछा गया है कि शेर शाह सूरी का मकबरा किस जिले में स्थित है। ठीक है, शहर का नाम नहीं पूछा गया है, जिला पूछा गया है, तो जिला है रोहतास और शहर का नाम है सासाराम। क्वेश्चन नंबर 57, पटना कॉलेज और पटना समाहरणालय वास्तु शैली से बना है, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर, कि यह यूरोपीय वास्तु शैली से बना है, या फिर इंडो इस्लामिक, या फिर हॉलैंड, या फिर मथुरा, रिक्त स्थान को भरना है आपको। ठीक है, तो ये किस तरह का वास्तु शैली है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ये हॉलैंड के वास्तु कला से प्रभावित है। पटना कॉलेज का जो बिल्डिंग का स्टाइल है वो हॉलैंड का वास्तु कला है, उस तरह से प्रभावित है, उससे बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58, ये जो मंजूसा पेंटिंग है ये किस राज्य से संबंधित है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र। तो 58 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी मंजूसा पेंटिंग ये बिहार से एसोसिएटेड है, बिहार राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59, ये शासक का नाम पूछा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स का शासनकाल मुगल पेंटिंग का स्वर्ण युग माना जाता है, यानी कौन सा वो शासक है जिसके काल को कहते हैं कि मुगल काल का ये स्वर्ण युग रहा है पेंटिंग के लिए। शेरशाह सूरी, अकबर, इस्लाम बादशाह, या फिर जहांगीर। ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, जहांगीर। ठीक है, इनकी पेंटिंग काफी मशहूर है और ये पेंटर्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस भी देते थे। क्वेश्चन नंबर 60, सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है, यह मेला किस लिए प्रसिद्ध है, वनस्पति एवं जीव के लिए, या फिर जानवर के लिए, या फिर शिल्प के लिए, या फिर किताब के लिए। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसका आंसर है बी, यानी पशु मेला है, जानवरों से एसोसिएटेड है, और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर का मेला। ठीक है, हरिहर क्षेत्र मेला भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, कि जो पटना गुरुद्वारा है जिसका नाम है पटना साहिब गुरुद्वारा, ये मेला कौन से सिख गुरु के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि पटना साहब जो गुरुद्वारा है वो किस सिख गुरु से संबंध रखता है, गुरु नानक देव से, या फिर गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, या फिर गुरु आनंद। काफी आसान सा आंसर है इसका ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह, क्योंकि इनका जन्म भी यहां हुआ था, और उनका जो 350वां जन्म वर्ष मनाया गया था, 2 साल पहले, वो पटना में काफी धूमधाम से मनाया गया था प्रकाश पर्व। ठीक है,
और अभी जब इनकी 352वीं वर्षगांठ मनाई गई, इस समय भारत सरकार के द्वारा 350 रुपये का 350 रुपये का कोमोमोरेटिव कॉइन इशू किया गया था, जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं और यह है कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था, बिहार का पहला कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र है, इंडियन क्रॉनिकल या फिर द बिहार हेराल्ड या फिर सर्च लाइट या फिर द मदरलैंड। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी द बिहार हेराल्ड, ये बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 कि ये उर्वशी किसके द्वारा लिखा गया है, इसके रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर या फिर विद्यापति या फिर फणेश्वरनाथ रेणु या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी। और आप जानते हैं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया ये उर्वशी है। क्वेश्चन नंबर 64 ये हो गया फॉरेस्ट एक्ट से, यानी वन अधिकार कानून जो 2006 का है, में कार्यकारी और न्यायिक अधिकार किससे दिया गया है, यानी कि इसमें बहुत सारे जो पावर्स दिए गए हैं डिसीजन लेने के, ये पावर्स पंचायत को दिए गए हैं या फिर ग्राम सभा को या फिर जिलाधीश को या फिर गवर्नर को। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी इसमें बहुत ज्यादा पावर ग्राम पंचायत लोकल लेवल पर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239AA और 239AB संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, आपको पता होना चाहिए कि ये 69वां संविधान संशोधन है जिससे कि आर्टिकल 239AA और आर्टिकल 239AB संविधान में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ हम बढ़ते हैं और ये बताया गया है कि गिफ्ट सिटी जिसको कहते हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक, शहर जो है यानी सिटी गुजरात के किस जिले में है, अहमदाबाद या फिर मुंबई, गांधीनगर या फिर बड़ोदरा। ये तो मुंबई क्यों लिखे हैं जब ये गुजरात में भी यहाँ लिख ही दिए, तो इनको समझना चाहिए। ओके, तो 66 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ये गांधीनगर में है। ठीक है, गिफ्ट सिटी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 सेज, यानी कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्ट किस वर्ष आया था। ठीक है, सेज का जो एक्ट है किस वर्ष पारित हुआ था, 2000 सन में या 2003, 2005 या फिर 2007। काफी आसान सा क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, यानी 2005। अब क्वेश्चन नंबर 68 DIPP यानी कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का नाम बदल के DPIIT रख दिया गया है, यानी कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ठीक है, तो यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि DIPP या फिर DPIIT यह किस मंत्रालय में आता है, भारी उद्योग में या फिर कॉरपोरेट मामले में या फिर वाणिज्य मंत्रालय में या फिर वित्त मंत्रालय में। तो ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हाँ ये वाणिज्य से ताल्लुक रखता है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ये आता है वाणिज्य मंत्रालय में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो कि ये काफी पॉपुलर एक भारत सरकार की योजना है, इससे संबंधित स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको सच्चा झूठा बताना है यहाँ पर। यह कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए आय सहायता योजना है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, आप जानते हैं। इसी तरह से 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि वाले परिवार को ₹6,000 प्रति परिवार सालाना दिया जाएगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि यह ऑनलाइन कारोबार बाजार उपलब्ध कराएगा, लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है इसमें कि यह ऑनलाइन कारोबार की यहाँ बात की गई है। सही कथन आपसे पूछा गया है तो 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी 69 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70 को। यह भी भारत सरकार के स्कीम से है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो है ये निम्न कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर बताया गया है कि यह संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए है, ध्यान दीजिएगा यह दोनों क्षेत्रों के लिए नहीं है, केवल असंगठित क्षेत्र के लिए है। दूसरा हो गया कि यह योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये बात ठीक है। और तीसरा है कि लाभार्थी या योग्य जो श्रमिक होगा कि आय अगर 15,000 तक है या उससे कम है और आयु 18 से 40 होनी चाहिए तो उसको इस बात का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, तो आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ आप ऑप्शंस देख सकते हैं और करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 70 नंबर का ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3 सही हैं। पहला स्टेटमेंट तो हम जान ही गए कि गलत था। तो अब चलते हैं 71 नंबर पर। 71 नंबर है कि जो जन शिक्षण संस्थान योजना है, जन शिक्षण संस्थान योजना ये किस मंत्रालय के अधीन आता है। ओके,
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि स्किल डेवलपमेंट के लिए है, तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब चलिए 72 नंबर पर चलते हैं और ये है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा किसके लिए शुरू किया गया है, यानी ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। इसके पहले ऑपरेशन ग्रीन बोर्ड हुआ करता था स्कूल में लाने के लिए, यानी कि बच्चों को केवल अब व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड पे नहीं पढ़ाया जाएगा, इन्हें डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल मेथड्स का यूज करके टेक्नोलॉजी का मदद लिया जाएगा, तो ये होगा कक्षा 9 और उससे आगे पढ़ रहे बच्चों के लिए, यानी 72 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी 9 क्लास या उससे ऊपर का अगर बच्चा है तो उसके लिए डिजिटल बोर्ड की बात की गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर कि विश्व बैंक ने अटल भू योजना के अंतर्गत 6000 करोड़ रुपए की सहायता किस क्षेत्र के लिए प्रदान की। सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि जो अटल भू योजना है, भूजल योजना, किस चीज के लिए है, तो देखिए नाम में ही लिखा हुआ है भूजल, तो किसके लिए होगा, सी होगा, भूजल के प्रबंधन के लिए, है ना। 73 का ऑप्शन हो गया सी। और आप ये भी जान गए कि अटल भूजल जो योजना है ये विश्व बैंक से रिलेटेड है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है, और यहाँ अमाउंट दिया हुआ है 6000 करोड़ रुपए। तो ये सब कुछ याद करते चलिए सर एंड मैम। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 74 पर कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने मैथिली भाषा को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, इस उद्देश्य के लिए किस जिले में लिपि एवं पांडुलिपि संस्थान का स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब आपको बताना है कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा जो मैथिली भाषा को प्रमोट करने के लिए, उसको सुरक्षित रहने के लिए और बढ़ावा देने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, उसे रिलेटेड एक संस्थान खोलने का बात किया जा रहा है, स्थापना किया जाएगा, तो किस जिले में, तो 74 का है ऑप्शन डी, यानी बेगूसराय में। ओके, अब चलते हैं 75 नंबर पर कि हाल ही में ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने अपनी कौन सी जन्म शताब्दी मनाई। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो ILO एजेंसी है ये यूनाइटेड नेशन से काफी पहले की है, तो आप ऐसे गेस वर्क से ही बना सकते हैं। तो वर्ल्ड वॉर जो 1 हुआ था उसके अगल बगल ये सब कुछ बना था, तो इसका करेक्ट आंसर आप गेस वर्क से ही बता पाएंगे कि 75 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 100वीं वर्षगांठ। क्वेश्चन नंबर 76 कि फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा या फिर वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, काम की बात की जा रही है यहाँ, वर्क रिपोर्ट यानी कार्य की बात हो रही है, कार्य कौन करते हैं, मजदूर करते हैं, लेबर करते हैं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। क्वेश्चन नंबर 77 भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो भारत का स्थान यहाँ पर बहुत बुरा है, 78 यानी 78वां है। ठीक है, ये याद रख लीजिए भारत का क्या स्थान है, करप्शन इंडेक्स में पूछा जा रहा है, तो 78th पोजीशन है। अब क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं कि लाइट हाउस परियोजना चुनौती की शुरुआत किसने की है, यानी यहाँ मंत्रालय का नाम पूछा जा रहा है, लाइट हाउस परियोजना चुनौती, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा लाइट हाउस परियोजना चुनौती। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर और ये पूछा जा रहा है किस राज्य ने पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को समाप्त कर दिया है। ठीक है, यानी सबसे पहले आपको मालूम है इस तरह का बात राजस्थान में, फिर हरियाणा वगैरह में किया गया था, लेकिन यहाँ पर फिर से खत्म कर दिया गया है, ये पूछा जा रहा है कि किसने समाप्त कर दिया। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान, पहले तो ये लागू किए थे लेकिन फिर कुछ कारणों से हटा लिया गया, स्क्रैप कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं कि हाल ही में मिजोरम में चकमा समुदाय को नागरिकता देने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, तो ये चकमा जो लोग हैं ये किस धर्म से संबंधित हैं, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध धर्म या फिर आंध्र प्रदेश, ये पता नहीं आंध्र प्रदेश कोई सा धर्म है क्या, ये तो ऑप्शन गलत है, तो तीन ही में आपको चुनना है और आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं लोग। देखिए आप यहाँ पर जब न्यूज पढ़े होंगे तो चकमा समुदाय मिला होगा और हजोंग, तो एच से हजोंग और एच से हिंदू, ऐसे आप याद रख लीजिए, और चकमा जो समुदाय है वो बौद्ध धर्म से, दोनों एक ही साथ न्यूज में आया हुआ था, मुझे याद है काफी अच्छे से ये बात। क्वेश्चन नंबर 81 पर चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने दवा कीमत निगरानी स्थापित की। ठीक है, यानी कि
मेडिसिन का फेयर प्राइस हो, इसके लिए निगरानी का व्यवस्था किया गया किस राज्य के द्वारा? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल या फिर आंध्र प्रदेश, बताइए। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी केरल के द्वारा ऐसा कुछ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 की वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल कहां स्थापित किया जाएगा? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी न्यू दिल्ली में। आगे चलते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 यानी कि जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट किस क्षेत्र के लिए है? कृषि क्षेत्र के लिए या फिर ई कॉमर्स के लिए या फिर माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए या फिर कपड़ा के क्षेत्र के लिए? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कपड़ा के क्षेत्र से रिलेटेड है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मतलब यह है कि ना आप प्रदूषण में कंट्रीब्यूशन कीजिएगा ना आपको कहीं से प्रदूषण मिल रहा है, इस तरीके से जीरो डिफेक्ट यानी आप नेचर को ना डिफेक्ट पहुंचा रहे हैं ना उसका इफेक्ट हो रहा है। ओके, कुछ ऐसे समझिए, ये कपड़ा मंत्रालय कपड़ा के क्षेत्र से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं और ये पूछा गया है कि जो मुख्य उद्योग हैं भारत में यानी जिनको कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं, तो उनको घटते क्रम में आपको अरेंज करना है कि किनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है यानी योगदान है और किनका कम है, किनका और कम है। तो 84 का करेक्ट आंसर मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर बी है, यानी कि सबसे ज़्यादा रिफाइनरी उत्पादन का योगदान है, इसके बाद बिजली का स्थान आता है, उसके बाद स्टील का स्थान आता है, फिर स्थान आता है कोयले का, फिर स्थान आता है नेचुरल गैस का और उसके बाद उर्वरक का काम आता है यानी फर्टिलाइजर, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर और यहाँ देखते हैं कि कृषि बाजार अवसंरचना कोष की स्थापना कितने करोड़ रुपए से की गई है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 2000 करोड़ रुपए। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 में हम जाते हैं और ये पूछा गया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि NBFC जिन्हें बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी किसके अंतर्गत पंजीकृत होती हैं? ठीक है, कंपनी एक्ट 1956 या फिर कंपनी एक्ट 2013 या फिर उपभोक्ता मामला एक्ट 2013 या फिर वित्त एक्ट 2016, ये NBFC कंपनी कहाँ पर रजिस्टर होती हैं, किस एक्ट के तहत? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कंपनी एक्ट 1956 के तहत। क्वेश्चन नंबर 87 पूछ रहा है कि जो डिजिटल घोषणा पत्र वार्षिक बैठक, ये किस चीज़ के बैठक का परिणाम है? ठीक है, यानी कौन सी ऐसी मीटिंग हुई थी जिसका रिजल्ट निकला डिजिटल घोषणा पत्र, G7 के मीटिंग का या फिर G20 या फिर SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? ओके, तो एक बार को आप सोचिए करेक्ट आंसर, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड है डिजिटल घोषणा पत्र। ठीक ना, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के तरफ और यहाँ पर बात किया गया है बजट 2019-20 से, कि ये 19-20 का जो बजट था इसमें क्या खास बात था, ये किस तरह का बजट था, क्या वो वोट ऑन अकाउंट बजट था या फिर इंतरिम बजट था या फिर आम बजट था या फिर बोथ, यानी कि वोट ऑन अकाउंट और अंतरिम दोनों था? लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि ये अंतरिम बजट था। जिस साल चुनाव होना होता है लोकसभा का और जिस साल सरकार बदलने की आशंकाएं होती हैं या सरकार अब नई जो आती है तो पूरा बजट पास करती है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है वो एक अंतरिम बजट पेश करती है, और इसी तरह का काम हुआ था बजट 2019-20 में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर, यहाँ बात किया गया है बजट 2019-20 में के अनुसार 22वां एम्स कहाँ स्थापित होगा? तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इतना याद कैसे रख सकते हैं फिगर के साथ, फिर भी जो इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए कि हाल में कहाँ कहाँ एम्स खोलने की बात की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हरियाणा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 और ये है कि 2019-20 का राजकीय घाटा जो कि GDP का कितने प्रतिशत होने का अनुमान है, यानी आपसे सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि जो राजकोषीय घाटा है वो GDP के कितने परसेंट एक्सपेक्ट किया गया है, 3.2% या फिर 3.3%, 3.4% या फिर 3.7%? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3.4%। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए फिगर, हालांकि इसको 3% रखने की बात की जाती है लेकिन ये अभी तक रह नहीं पा रहा है बस, लेकिन हम लोग कभी ना कभी से अचीव कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, अंतरिम बजट के दौरान संसद में किसने सरकार का विजन इंडिया 2030 यानी विजन इंडिया 2030 ये डॉक्यूमेंट किसके द्वारा पेश किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर वित्त मंत्री के द्वारा या फिर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि वित्त मंत्री के द्वारा विजन, देखिए इसे विजन इंडिया 2030 डॉक्यूमेंट पेश किया गया, ये इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 92 ये पूछ रहा है कि इनमें से भारत किस समूह का सदस्य नहीं है, ऑस्ट्रेलिया समूह का यानी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर है या नहीं, मिसाइल तकनीकी कंट्रोल रीजन यानी MTCR जिसे बोलते हैं, इसके अलावा वेसनार एग्रीमेंट यानी वेसनार समझौता और नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह, ठीक है, इसमें से किसका इंडिया मेंबर नहीं है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह जो है इसका इंडिया अभी तक मेंबर नहीं बनना पाया है और इंडिया अभी इसमें प्रयासरत है, ठीक है। NSG इसे बोलते हैं यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, इन तीनों पर मेरा वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 93 पर, और यहाँ बात किया गया है कि जो दंड विधान समिति है 1267 किसके द्वारा लागू किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड है ये दंड विधान समिति 1267, काफी न्यूज में रहा था। चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन कि भारत ने किस देश का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा रद्द कर दिया, भारत किस देश का MFN स्टेटस, ये शॉर्ट फॉर्म में आप जानते होंगे, MFN स्टेटस रद्द कर दिया, और हम सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान। बेशक आप जान रहे हैं ये दिया गया था दर्जा 1996 में, 1996 में, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं कि किस देश के प्रधानमंत्री ने सियोल शांति पुरस्कार प्राप्त, और ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को सियोल पीस प्राइज दिया गया, तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन डी, 95 का आंसर हो गया डी। और क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्न में से कौन सा देश लिथियम त्रिभुज का हिस्सा नहीं है, यानी इसमें से कौन सा देश है जो कि लिथियम ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, ब्राजील, बोलीविया, चिले या फिर अर्जेंटीना। ये क्वेश्चन कई बार आप UPSC के टेस्ट सीरीज में भी देखे होंगे और इसका यहाँ भी मेंशन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी ब्राजील को छोड़ के बोलीविया, चिले और अर्जेंटीना तीनों लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पर चलते हैं, तो ये है मार्कोसुर यानी MERCOSUR, ये हो गया, हाल ही में समाचार पत्र में रहा था काफी, यह क्या है, ओके, और यह करेक्ट आंसर इसका हो जाता है बी, यानी दक्षिण साझा बाजार है। आप इसका फुल फॉर्म सर्च कर लिए एक बार, आप जानिए, इट विल बी गुड फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 98 पर चलते हैं कि भारत आसियान एक्सपो समिट जो 2019 हुआ था ये कहां पर आयोजित हुआ था, पटना में, बेंगलोर में, हैदराबाद में या फिर न्यू दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ये नई दिल्ली में हुआ था, इंडियन आसियान एक्सपो समिट 2019 का। अब क्वेश्चन नंबर 99 कि फरवरी महीने में किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, टर्की में या फिर यमेन में या फिर सीरिया में या फिर USA में यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और आपको पता है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था जबकि प्रेसिडेंट और वहां के पार्लियामेंट के बीच में कुछ अनबन हो गई थी। और आज के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 100 पर हम चलते हैं, और ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, पूछा गया है चागोस द्वीप यानी कि चागोस आर्किपेलगो ये कहां स्थित है, प्रशांत महासागर में या फिर दक्षिणी सागर में या फिर हिंद महासागर में या फिर अंटार्कटिक महासागर में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि चागोस आर्किपेलगो जो है ये हिंद महासागर में स्थित है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन देख लिए, फिर हम कल मिलेंगे और क्वेश्चन 150 तक पूरा कर देंगे, ओके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो भी इश्यूज लग रहे हैं, जैसे आपको जो दिक्कतें हो रही हैं कि लैंग्वेज में आपको जैसे समस्या हुई, आप लोगों ने बहुत सारे लोग बोले कि सर आप हिंदी में डालिए, तो मैं हिंदी में डाला हूं, या आप में से और लोगों को लगता है कि नहीं मुझे कुछ और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए या मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कम एक्सप्लेन करना चाहिए, केवल आंसर टिक करते करते आगे बढ़ जाना चाहिए, तो आप अपना विचार जरूर पेश करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।